lost all of your dreams. The night is hell. My shadows, they follow you. My shadows, they follow. सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए बाय गर्ल। कैसा है सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन योर डेली लाइफ। तो आ जा भाई, पहले तू आ जा, आओ आओ, अंगड़ाई मत लो, आओ। अगर आप लोग इन भाईजान पे आएगा, मैडम डट मत, समझदार। अरे रुक ना भाई, देख देख देख, तू यूट्यूब पे देख फेमस हो रहा है, मैं तो हुआ नहीं आज तक, तू हो जा, आ जा। अगला ब्लॉग इन भाई साहब पे पक्का। एक मिनट का ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके होस्ट और दोस्त डीएनए बाइकर नितिन भाई, पता होगा। तो आज की ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, आपका ये क्वेश्चन होगा। कईयों को पता चल चुका होगा मेरे इस वीडियो का टाइटल पढ़ के, जो कि क्या है, न्यू। न्यू मतलब नए। शू, शू मतलब जूते। फॉर माय अप्पू, अप्पू पता होगा ना सबको कौन है अप्पू। तो अपाचे के लिए, अपाचे 200 के लिए हमने ये जूते मंगवाए हैं। वो ये जूते नहीं पहनती, इसलिए ये वाले आए हैं जूते, मतलब रियर टायर। ये है मिचलिन का टायर, 140/70/11 इसकी साइज है, जो पहले वाले से थोड़ा ऊपर लेवल का है, थोड़ा मोटा है टायर। तो पहले वाला टायर की हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा खस्ता, बहुत ज़्यादा बुरी। अब तो टायर भी मेरी बाइक को कहता है धीरे चल धीरे चल, कोई हाई नहीं है क्योंकि उससे इतना तेज चला जाता नहीं है। घिस चुका है पूरा, रोड पे डर लगता है ब्रेक मारने में। भाई चेंज करवाना था ना पहला टायर, तो मैं चेंज करवा रहा हूँ बाइक का। ये है मिचलिन 140/70/11, ये मैंने लिया करोलबाग से। करोलबाग में बाइक मार्केट पे बहुत फेमस बाइक की टायर शॉप है। ये वहाँ से मुझे पड़ा है 3000 का। इसकी ग्रिप पहले वाले से बहुत अच्छी है। जो इसका स्टॉक टायर आता है वो था 2200 का, ये पड़ा है मुझे 3000 का। इसकी मार्केट प्राइस अगर हम मिचलिन के शोरूम से ही लेंगे तो ये पड़ता है अप्रोक्स 3500 के आसपास का। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पुराने टायर का बर्नआउट मारने, उस बर्नआउट के बाद इसको चेंज करवाने। चेंज करवाने के बाद आपसे मिलते हैं, कुछ एक इंस्टाग्राम की इंफॉर्मेशन लेंगे। इंस्टाग्राम की करवाते हैं पहले चेंज, जाना मत, आता हूँ।
अभी वापस घर आ चुके हैं, बर्नआउट वगैरह मार के, टायर चेंज करवा के, बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, अलग लेवल वाली तेज है भाई साहब, मानो नहीं। तो दिल्ली में रहता था तो पता ही है अपनी दिल्ली की बारिश कैसी होती है, यहाँ तो होती नहीं है, होती तो सड़कें बढ़ जाती हैं यहाँ पर, ऐसा ही है, सड़कें तो नहीं उभरे। तो एक बार आप पुराने टायर की हालत देखो, बर्नआउट के बाद कुछ ऐसी हो चुकी है इनकी हालत। ये था मेरा पुराना टायर, इसको पूरा रगड़ा है, अच्छे से रगड़ा है। वो क्या है ना, जो एक बाइकर है वो समझ सकता है कि न्यू टायर चेंज करवाने से पहले पुराने टायर को रगड़ना कितना सुकून देता। बिना रगड़े बिना बर्नआउट मारे अगर ऐसी चेंज करवा लेना, मज़ा सा नहीं आता, नया टायर लगवाएंगे बाइक कहते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो मजाक अपार्ट, नया टायर चेंज करवाया है, वो टायर मुझे 3000 रुपीज़ का पड़ा था, चेंज करवाने के 100 रुपीज़ लगे हैं, मैं वहाँ से भी चेंज करवा सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट, पर इसको रगड़ना जरूरी था तो हमने बर्नआउट मारा, फिर चेंज करवाया। आई होप सो बर्नआउट के शॉर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, सारे शॉर्ट्स मेरे भाई ने लिए हैं उत्सव ने। तो अब आज की वीडियो के लिए इतना ही था, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, मेरे 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक DNA बाइकर, दूसरा पारिक साहब। मैं ये DNA बाइकर वाला अकाउंट अब डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, जो भी पोस्ट वगैरह सब होगी वो पारिक साहब वाले अकाउंट पे ही मिलेगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं दोनों अकाउंट को मर्ज कर रहा हूँ, ये DNA बाइकर वाला अकाउंट था इसमें सिर्फ बाइक्स की फ़ोटोज़ मिलती थी, ये पारिक साहब वाला अकाउंट था इसमें सिर्फ मेरी बाइक्स की भी मिलती थी, मेरी पर्सनल लाइफ की जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो सब मिलती थी। अब ये दोनों मर्ज, अब आपको एक अच्छी फोटोग्राफी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका नाम होगा पारिक साहब। आप DNA बाइकर करके भी सर्च कर सकते हैं, पारिक साहब से भी सर्च कर सकते हैं, नहीं मिलूंगा आपको वहाँ, तीसरा बंदा नहीं मिलेगा, सर्च तो करो, करके तो देखो। तो आज की वीडियो के लिए इतनी ही, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, जिसकी अनाउंसमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ, किसके ऊपर होगी, माय फ्रेंड माय बॉय माय स्टड बॉय चार्ली जो अभी बाहर घूम रहा है उसके ऊपर, जो बीच बीच में आ जाता ना वीडियो में इंटरप्ट करने, पूरी वीडियो उसी भी बनाएंगे तब कर इंटरप्ट, हम भी देखते हैं हाँ नहीं तो अगली वीडियो होगी उसके ऊपर। तो अब आपसे मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, पहले से हैं तो लाइक करें एंड कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।